A closely bounded solenoid of 800 ton and area of cross section -4 meter square carries a current of carries a current of 3 ampere. What is the MOI, a magnetic moment? What is the magnetic moment? मैग्नेटिक मोमेंट. अगला क्वेश्चन की भैया ऊपर वाले क्वेश्चन पे डिपेंड है. ऊपर वाले क्वेश्चन पे है. इफ द सोलिनॉइड इज फ्री टू टर्न अबाउट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड of 0.25 tesla is applied 0.25 tesla is applied. Question: what is the magnitude of the torque on the solenoid? What is the magnitude of the torque on the solenoid when its axis makes an angle of 30 degree with the direction of magnetic field. अगला क्वेश्चन ये, a bar magnet of magnetic moment one point five joule per tesla align with the direction of magnetic field of 0.22 tesla. First part क्या पूछ रहा है? What is the amount of work required to turn the magnet? What is work required to turn the magnet? So as to align its magnetic moment मतलब ये क्वेश्चन है. अब पहला कह रहा है कहां पे अलाइन किया. पहला केस है नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड. सेकेंड, अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू टर्न द मैग्नेट सो एज टू अलाइन द मैग्नेटिक मोमेंट. फर्स्ट, नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड. सेकेंड, अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड. अगला क्वेश्चन लिखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है. A closely bound solenoid
a closely bound solenoid of 2000 turn of 2000 turn a closely bound solenoid of 2000 turn and cross section area one point six into 10^-4 meter square. 1.6 into 10^-4 meter square. Carrying a current of 4 ampere. Carrying a current of 4 ampere, comma, is suspended through its center, allowing to turn in the horizontal plane. पहला पार्ट पूछ रहा है इसका. व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस सोलेनोइड. दूसरा, व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क ऑन द सोलेनोइड. If a uniform magnetic field of 7.5 into 10^-2 Tesla is set up at an angle of 30 degree with the axis of solenoid. अगला क्वेश्चन लिखिए. मैग्नेटिक फील्ड 7.5 × 10^-2 टेस्ला. अगला क्वेश्चन लिखिए. A circular coil of 16 turn and radius 10 centimeter. A circular coil of 16 turn and radius 10 centimeter. Carrying a current of 0.75 ampere rest with its plane perpendicular to the magnetic field. Of magnitude 5×10^-2 Tesla. Full stop. The coil is free to turn about an axis in its plane, perpendicular to the field direction. Full stop. When the coil is turned slightly,
and released comma it oscillate about its stable equilibrium with a frequency of 2 hertz what is the MOI, capital MOI, moment of inertia of the coil? MOI of coil. अगला क्वेश्चन लिखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है. चलो पहले ये करा देते हैं, उसके बाद फिर लिखेंगे, है ना. देखिए भैया, ए देखिए, तीन क्वेश्चन का सलूशन तो यहां पर लिखे हुए सामने, ठीक है. पहला क्वेश्चन अगर आपको याद होगा, पहला कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा कौन है, अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ वही है. तीसरा क्वेश्चन देखिए भैया, तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, और आपने क्या किया, इसको घुमा दिया मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, यानी आप थीटा 1 0 से लेकर कहां पे चले गए, थीटा 2 90 पे. आपने यहां देखा, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या दी दिया, मैग्नेटिक मोमेंट के पैरेलल थी. अब इस केस में क्या कर दिया आपने, मैग्नेटिक मोमेंट को मैग्नेटिक फील्ड के क्या कर दिया. तो ऐसा करने में आपको वर्क किया ना आपने, अब ऐसा करने में यहां पैरेलल थी, पैरेलल से परपेंडिकुलर लेगा, तो आपने वर्क किया नहीं किया, तो वर्क निकालना. वर्क क्या होता है, mb cos थीटा और माइनस cos m कितना है, ये रहा, b कितना है, ये रहा, थीटा 1 0 थीटा 2 निकाल लोगे. तो हां फिर कह रहा है कि अभी रुके नहीं, अभी हमने क्या किया, पहले थीटा 1 क्या था भैया, 0, यानी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मूवमेंट के क्या था भैया, पैरेलल थी. अभी आपके आपने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को एंटी पैरेलल कर दिया, एंटी पैरेलल कर दिया मैग्नेटिक मूवमेंट की, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक दूसरे के एंटी पैरेलल कर दिया, यानी थीटा 2 का कर दिया आपने 180 कर दिया. तो वर्क निकालना है इसमें, निकाल लोगे, वही है mb cos थीटा 1 - cos थीटा, कर लोगे. अभी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हेल्पिंग हैंड हिमांशु, इधर भी देखिए, देखिए जरा भैया, कॉइल है, कॉइल है, सोलेनोइड है, सोलेनोइड है, कितनी टर्न है, 2000, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, करंट कितना है, बोला मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट सोलेनोइड का क्या होता है, निया, क्या होता है भैया, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सोलेनोइड का होता है निया, एन ए रहा, आई ए रहा, ए ए रहा, दादा का वैल्यू आ जाएगा आंसर. फिर आपने बोला भैया, इस क्वेश्चन में बोल रखा है भैया कि अगर वो कॉइल जो है वो इतनी मैग्नेटिक फील्ड में इतने एंगल्स रखेगी, यानी उसका कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल रखता है, 30 कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट जो कि हमने ये निकाला है और मैग्नेटिक फील्ड जो कि ये रखी है उसके बीच का एंगल कितना है, 30. कह रहा भैया कि बताओ कितना फोर्स लगेगा और कितना टॉर्क आएगा. तो भैया जहां पर टॉर्क की बात हो जाए वहां पर फोर्स की हमेशा वैल्यू क्या होती है, 0. क्योंकि टॉर्क जब भी आता है जब दो फोर्स इक्वल और जो नेट फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा. टॉर्क की बात करें इस टर्म में क्या है, ड्यू टू टॉर्क, जहां पर टॉर्क रहेगा वहां पर फोर्स की नेट वैल्यू क्या होगी, 0 रहेगी. और टॉर्क क्या होता है भैया, एम बी साइन थीटा, एम हमने निकाल लिया निया से, और हां बी आपको दे रखा है एंगल रखा है 30 डिग्री, समझ आ गया. अभी वाला क्वेश्चन वो सिलेक्शन का रखा है ना, तो आपको मीन समझ में आएगा. तो ये टॉपिक अभी हमने नहीं करा, टॉपिक क्या, क्वेश्चन ही है, ठीक है भैया.
तो वो कराने जा रहा हूँ, उसके बाद पहले दो क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा, बस पहले से टॉपिक की बात पूछ लीजिए, ठीक है। मिटो भैया रिकॉर्डिंग हो रही, करना है कर लो भैया, बोर्ड पे लिखा हुआ कर लो, पहले तो करना, पहले तो अभी कुछ टॉपिक्स है जो मुझे कराने हैं, और अभी दो क्वेश्चन और लिखे हुए इसके ऊपर, और ये वाला क्वेश्चन बाकी ना, तो अभी करा लेते हैं, ठीक है। आसान क्वेश्चन बहुत ही सारे, ठीक है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है, पहला जो टॉपिक है कि अगर किसी भी मैग्नेट को, बार मैग्नेट को काटे या मोड़े तो उसके मैग्नेटिक मोमेंट पे क्या पड़ता है। देखिए भैया टॉपिक डालिए, इफेक्ट ऑफ, ठीक है, इफेक्ट ऑन मैग्नेटिक मोमेंट, इफेक्ट ऑन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट, ऑफ बार मैग्नेट इन डिफरेंट केस, अलग अलग केस में बार मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो ये देखिए पहला केस क्या है, एक देखिए ये आपका एक बार मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक क्या भैया एम है, इसका एरिया ए है, और इसकी लेंथ क्या भैया टू एल है, क्या है, ठीक है भैया। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो एम वन इक्वल्स मी का पोल स्ट्रेंथ इक्वल टू टू एल, बोलो हाँ, ये तो अवे नॉर्मल है, ये आपको पता होगा। दूसरे केस में हमने क्या किया कि इसको आधा काट दिया, क्या कर दिया आधा कर दिया, इसको हाफ कर दिया, तो लेंथ कितनी कर दी हमने एल, पोल स्ट्रेंथ क्योंकि एरिया, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ जो होती है वो एरिया पे डिपेंड करती है, तो एरिया तो अभी भी सेम है, पोल स्ट्रेंथ अभी भी क्या रहेगी एम रहेगी, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा एम टू, पोल स्ट्रेंथ इंटू में सेपरेशन, दो से मल्टीप्लाई करके दो से डिवाइड कर दिया, तो क्या हुआ ऊपर वाला क्या बन गया एम वन अपॉन एम, यानी इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी हाफ हो जाएगी। तीसरे केस में हमने क्या किया, ध्यान दीजिए भैया, हमने इसको बीच में से आधा कर दिया, एरिया आधा कर दिया, लेंथ उतनी रह दिया, लेंथ अभी भी क्या भैया टू एल है, लेकिन जैसा कि आपको पता एरिया आपने हाफ कर दिया, तो पोल स्ट्रेंथ क्या होगी एम बाय टू, एम बाय टू, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा एम थ्री, पोल स्ट्रेंथ जो कि क्या है एम बाय टू इंटू में लेंथ जो कि क्या टू एल है, तो एम इंटू में टू एल क्या होगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा इस केस में भी आपकी मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो जाएगी, ये भैया। तीसरा केस, चौथा केस, हमने क्या कर दिया ऐसे जैसे ऐसे काट दिया, ये भैया इसका एक पार्ट किया, इसका एक छोटा पार्ट दोगे तो लेंथ भी क्या होगी इसकी आधा, और पोल स्ट्रेंथ भी क्या होगी इसकी हाफ, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा भैया पोल स्ट्रेंथ जो कि हाफ है इंटू में लेंथ एल है, दो से मल्टीप्लाई दो से डिवाइड, तो एम इंटू में टू एल क्या होगा एम वन अपॉन में क्या होगा फोर, ये क्या होगा एम फोर, यानी एम फोर अगर आप मैग्नेट को वन फोर्थ काट ऐसे काटोगे सब्जी की तरह तो आपका क्या होगा मैग्नेट में चार गुना क्या होगा कम हो जाएगा, समझ गए। और लास्ट केस है कि आपने इसी बार मैग्नेट को ऐसा सेमी सर्कल में मोड़ किया था, ऐसा सेमी सर्कल में मोड़ किया आपने, पोल स्ट्रेंथ अभी भी सेम है लेकिन दूरी क्या होगी इसके बीच में बदल चुकी है, ये क्या मान लिया मैंने डी होगी, दूरी क्या मान ली, अच्छा इसका सर्कमफेरेंस कितना होगा, तो इसकी लेंथ के बराबर होगा 2 पाई r, इसकी लेंथ क्या भी अभी भी 2 पाई r क्योंकि आपने मोड़ है उसको, ये भैया। तो आपको डी निकालना क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा इस केस में m पाई इक्वल्स टू में पोल स्ट्रेंथ जो कि क्या है m है, और सेपरेशन जो कि क्या भी है d है, d आपको नहीं पता, तो d निकालने के लिए चलो ताकत हम जानते हैं ये जो हाफ सर्कल बना है इसका जो सर्कमफेरेंस होगा वो क्या होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ हाफ सर्कल, सर्कल क्या होता है भैया पाई आर, और पाई आर किसके बराबर है 2l के, तो r की वैल्यू क्या होगी 2l अपॉन में पाई, ये r आ गया यानी इसका हाफ आ गया r आ गया, आपको d निकालना, तो d क्या होगा 2r यानी d इक्वल्स टू क्या होगा 4l अपॉन में पाई, ये आ गया आपका d, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, देन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा m5 ना, m इंटू में d की वैल्यू क्या रखी है 4l पर 2l इंटू में 2 लिख दूं, 2l into में 2 upon में क्या हो गया pi, ये क्या हो गया m1 2 upon में pi, that is your answer, समझ गए भैया फटाफट कीजिए। देखिए भैया ओए बताओ आपको ओए रिपीशन
हमने क्या किया, एक बार मैग्नेट को, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्या भी आपका बार मैग्नेट है, ये भी आप इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या भी है, आई है, क्या है आई, इसका क्या भी है, एम ओ आई, एम ओ आई, ठीक है। आपको पता है जब कोई बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है तो उसके ऊपर क्या लगता है, टॉर्क, और टॉर्क क्या करता है उसको इक्विलिब्रियम स्टेट में लाता है, क्या लगता है इक्विलिब्रियम, लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट में जैसे ही आया उसके पास आपको पता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, क्या होता है, तो रुकता नहीं है, वो फिर क्या करता है इस पोजीशन को ओवरशूट कर जाता है और नीचे से आता है, फिर क्या लगता है भैया अनस्टेबल होता है, फिर क्या लगता है टॉर्क, और फिर क्या करता है इसको इक्विलिब्रियम स्टेट में आता है, और फिर क्या होता है आता है इनर्शिया की वजह से यहां पर रुकता नहीं है, फिर क्या आगे बढ़ जाता है, तो ये लगातार क्या करता है ऐसे ही ऑसिलेट करता है, ऐसे ही ऑसिलेट करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ध्यान दीजिए, बैर का बार मैग्नेट, बार मैग्नेट प्लेस इन अ, प्लेस इन अ, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इट एक्सपीरियंस बाय एंगल, बाय एंगल थीटा, कितने का रखा गया भैया, थीटा से, दैट इट एक्सपीरियंस, दैट इट एक्सपीरियंस टॉर्क डिस्टॉर्ट रिस्टोर डी डाइपोल इन अ इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम याद नहीं भैया, ये जो देखिए भैया एक डाइपोल है वो मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल से रखा गया तो उसके ऊपर क्या लगेगा टॉर्क, और ये टॉर्क क्या करता है भैया उसको इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने का प्रयास करता है, बट But due to MOI, MOI, dipole overshoot, dipole overshoot its equilibrium state. कह रहा भैया इसके moment of inertia की वजह से dipole रुकता नहीं है equilibrium state में, वो equilibrium state को क्या करता है overshoot कर जाता है, ठीक है, and it start oscillation, it start oscillation. और वो ऑसिलेशन करने का लगता है भैया स्टार्ट कर देता है, ठीक है भैया, वो ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है भैया। तो यहाँ पर रिस्टोर कौन कर रहा है, इनर्शिया नहीं कर रहा, रिस्टोर कौन करा रहा है, दिस टॉर्क रिस्टोर द डाइपोल, यहाँ पर रिस्टोरिंग कौन है डाइपोल, ठीक है भैया। तो हियर टॉर्क प्ले द रिस्टोरिंग फैक्टर, रिस्टोरिंग फैक्टर, तो भैया टॉर्क अगर रीस्टोरिंग फैक्टर है तो टॉर्क हम क्या लिखेंगे, माइनस एम बी साइन थीटा, माइनस क्यों आ सकता है क्योंकि रीस्टोरिंग फैक्टर क्या है, हमेशा क्या लगता है माइनस क्या है, 11th क्लास में अगर याद होगा आपको मैंने रीस्टोरिंग फैक्टर क्या देखा हुआ था, माइनस रीस्टोरिंग फैक्टर, रीस्टोरिंग फैक्टर, ये नहीं हो गया। अच्छा देखिए आपको पता है अगर देखिए अगर लीनियर मोशन होती है तो हम क्या लिखे एफ इक्वल्स टू एम ए, अगर लीनियर मोशन होती है तो हम लिखते हैं फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन एंगुलर मोशन होती है तो हम टॉर्क लिखते हैं, फोर्स यहां पे क्या लिखते हैं और मास यहां पे क्या लिखते हैं इनर्शिया, और एक्सेलरेशन यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या लिखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, तो हमने इस टॉर्क को क्या लिख दिया भैया, दैट टॉर्क को क्या लिख दिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बार मैग्नेट इनटू में अल्फा, इस टॉर्क को हमने क्या लिख दिया आई अल्फा। देखिए फोर्स को अगर लीनियर मोशन हो रही है तो मास इनटू एक्सेलरेशन, टॉर्क को क्या लिखेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्स यहां पे टॉर्क, मास यहां पे इनर्शिया, और एक्सीलरेशन ये लीनियर एक्सीलरेशन है, ये क्या है एंगुलर एक्सीलरेशन, तो टॉर्क क्या होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू में एंगुलर एक्सीलरेशन, फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है भैया। तो मैंने इस टॉर्क यहां पे क्या लिख दिया, इसका इनर्शिया इनटू में किसका एंगुलर एक्सीलरेशन, ये भैया। अच्छा माइनस बराबर है माइनस एम बी और साइन थीटा, थीटा तो मैं थीटा लिख रहा हूँ, पता क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा ऑसिलेशन जब होता है तो थीटा क्या है जीरो, थीटा बहुत छोटा होता है, जब ऑसिलेशन हम कराते हैं ना तो उस केस में थीटा आपका क्या होता है भैया बहुत छोटा होता है, और जब थीटा जीरो होता है थीटा बहुत छोटा होता है, तो साइन थीटा को क्या लिखेंगे थीटा, जब थीटा आपका बहुत छोटा होता है टेंस टू जीरो होता है तो हम साइन थीटा को क्या लिखते हैं भैया थीटा, तो हमने जो साइन थीटा लगा था उसको यहाँ पे क्या लिख दिया थीटा लिख दिया, तो इसको इधर की साइड लगाए तो क्या होगा भैया I alpha plus m b theta बराबर में क्या हो गया भैया आपका जीरो, हो गया जीरो, ये भैया। अच्छा हमने I कॉमन ले लिया, I कॉमन लेने का अच्छा अल्फा m b अपॉन में I theta बराबर में जीरो, देखिए यहाँ पर I था तो कॉमन चला गया, यहाँ पर नहीं था तो वो डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड करते हैं, तो मल्टीप्लाई करो तो कॉमन चला गया, डिवाइड करो तो नीचे रहे,
ओके भैया, आई से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, यहाँ पर आई था आई।